देखना है भाई, लग तो नहीं रहा भाई। देखो ध्यान देना, कुछ बातें ऐसी होती है जो सुनी जाती हैं। बातें आप पर डे करते हो, खेलते पर डे हो, पढ़ते पर डे हो। मैजिक शो साल में एक बार होता है और इसका कारण जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपसे पहले ये पूछा है कि व्हाट इज द मैजिक। मैजिक क्या होता है? आप बोल रहे जादू। जादू आप हर साल मैजिक शो का प्रोग्राम देखते हैं और बोलते हैं मैजिक जादू होता है। भाई जादू मैजिक इसे नॉट जंतर मंतर, मैजिक कोई जादू नहीं होता है। मैजिक केवल एक आर्ट होती है, एक कला होती है। जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा ये सिर्फ साइंस से जुड़ी होगी। किससे जुड़ी होगी? साइंस से। देखो आपने हर आइटम को बड़े गौर से देखना है और बड़े ध्यान से सुनना है। सुनेंगे ना आप? यस सर। गौर से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तभी आपके आप में से कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा हमारी किसी भी ट्रिक्स को पकड़ सकता है। और पकड़ते वही है जो दिमाग से तेज और इंटेलिजेंट होते हैं। सो इस शो के साथ साथ हमारे दो मकसद होते हैं। पहला मकसद हमारा ये होता है कि रेड क्रॉस की हेल्प, और दूसरा मकसद आपको अंधविश्वास में से निकालना है। तो सो आपको ले चलते मैजिक वर्ल्ड में। पर मैजिक वर्ल्ड में जाने से पहले हमारी जो नौवीं फर्स्ट आइटम होती है वो हमारे देश के नाम होती है। हमारे देश का नाम क्या है? क्या नाम है? भारत देश। और भारत देश के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी गर्ल्स आएगी जो इंटेलिजेंट और होशियार है। देश के लिए कोई भी गर्ल्स आ सकती है, डरने वाली कोई बात नहीं। दीपाली कौन सी क्लास में? आप 12th में। सबसे पहले दीपाली बेटा आपने ये बताना है कि आपने कभी लाइफ में झूठ तो नहीं बोला? कभी भी नहीं भाई। बातें नहीं कर रहे भाई, बातें कौन कर रहा है भाई? बातें करनी तो भाई क्लास में जा सकते हो, प्लीज दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना। बेटा सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये कौन से कलर के हैं? रेड ग्रीन एंड व्हाइट। और बेटा क्या नाम था? मैं भूल गया। दीपाली। दीपाली बेटा इसमें भी चेक करो, इसमें कुछ है तो नहीं? अच्छा चेक कैसे करो? हाथ डाल के चेक कर लो। खाली है? बिल्कुल खाली है। दीपाली बेटा आपने क्या करना है, इसके अंदर वन बाय वन एक एक करके रिबन डालना। ओके, एक एक करके डालो। वेरी गुड, यस, ओके। अब दीपाली बेटा आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक जोरदार फूंक लगानी है। लगा लोगे? कर लेंगे इतना काम। इसके ऊपर जोरदार फूंक लगानी है। ओके, लगाओ जोर से फूंक। और थूकना नहीं है, ऐसे कर रहे हो, फूंक लगानी है दूर से। ओके, लगाओ फूंक। यस, गिरेगी। दीपाली बेटा अब आपने जैसे वन बाय वन रिबन डाले थे वैसे एक एक करके आपने निकाल लेने। ओके, एक एक करके निकालो, एक एक करके वन बाय वन निकाल ले। अगर आपने एक एक करके नहीं निकाले तो यहाँ पे आपको मैं उतनी बना दूंगा। ओके, निकालो। रिस भाई शोर नहीं करना है, एक एक रिबनों को निकालो बेटा। एक रिबन पकड़ो, निकालो बेटा जल्दी, करने वाली बात है बेटा जल्दी। अरे बैठो, कुछ नहीं बेटा, वेरी गुड, निकाल लो। और हमारे तीन रिबनों से हमारे देश का तिरंगा झंडा तैयार होता है भाई, खोल के दिखाओ। देखो भाई हमारे शो की जो फर्स्ट आइटम होती है ना वो हमारे देश के नाम होनी चाहिए। किसके नाम होनी चाहिए? देश के नाम। बच्चों इसके बाद हम शो में आगे बढ़ेंगे और आपको ट्रिक्स पे ट्रिक्स दिखाएंगे और इसी तरीके से। तो बेटा दीपाली आपने जाना नहीं, प्लीज बातें नहीं कर। अभी आपको बहुत कुछ दिखाना और बहुत कुछ सिखाना भी है। अगर स्टार्टिंग में ही आप ऐसे करोगे, बेटा थोड़ा इधर आ जाओ। सबसे पहले आपने एक हाथ अपना ऐसे करना है, वेरी गुड, सीधा। और सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि इस फ्लावर में आपको खुशबू आ रही है? हाँ जी, हल्की हल्की आ रही है, आ रही। मुझे तो हल्की हल्की भी नहीं आ रही। हाँ सीधा बेटा, दीपिका दीपाली, सॉरी दीपाली बेटा, मैं क्या करूँगा, ये फ्लावर आपको तोड़ के दूंगा। ओके, आपने फ्लावर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना और एक सेकंड बाद ये फ्लावर आपने बच्चों को दिखाना है। कर लेंगे इतना काम, कर ले। रेडी, रेडी, मुट्ठी बंद करो। यस, अब आपने फ्लावर एक सेकंड के अंदर बच्चों को दिखाना है। जल्दी से दिखाओ, दिखा दो बेटा, फ्लावर कहाँ है? मुझे लगता है मेरा फ्लावर ही खा गई है। चलो भाई कोई बात नहीं, फ्लावर तो हम शो के बाद ले लेंगे, एक ट्रिक हम इनको और दिखाते, देखेंगे आप, देखेंगे। तो बेटा उस ट्रिक्स के लिए आपने क्या करना है? भाई बात देखो भाई,
सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये प्रोग्राम जो आपने 50 मिनट का देखना है या 20 मिनट का? बच्चों लिंक दिखाई दे रही है? हाँ, टूटा हुआ आपका, सीधा करो, ऐसे घूमो। सबसे पहले दीपाली बेटा सीधा ही रखना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको सुनो। और सबसे पहले आपने ये बताना है कि जो ये रिंग है वो किसकी है। फिलहाल आपने रिंग कसके पकड़ना है गाय माता, और अगर ये गाय हो भी गई तो जिम्मेदारी तो आप बेटा दीपाली क्या करूंगा, एक सेकंड के लिए हम रिंग इनसे ले लेंगे और इनको पकड़ा देंगे। बेटा दीपाली आपने एक उंगली एक घुटने से कसके पकड़ लेना, ओके, ऊपर से ऐसे, ठीक है, छोड़ना नहीं है और तोड़ना भी नहीं है, क्योंकि रिंग मैं, तो मैं आपको रिंग पकड़ाने जा रहा हूँ। दीपाली बेटा आपने उंगली और अंगूठे से कसके पकड़ ऊपर से ऐसे, वेरी गुड, पकड़ लिया, रिंग आपके हाथ में, मुझे तो पता आपके हाथ में रिंग है, बच्चों को बोलो रिंग मेरे हाथ में है, रिंग मेरे हाथ में है, और बोलो जिम्मेदारी मेरी है, बोलो जिम्मेदारी मेरी है, बिल्कुल आपकी है। अब मैं इस पे मंत्र लगाऊंगा, ये गायब हो जाएगी, लेकिन गाय मत होने देना, हंस के पकड़ लेना, ओके, रेडी रेडी, 1 2 3 एंड गो। होगी गाय हाथ में ही है, लगता लड़की ने मंत्र ही फेल कर दिया, पीछे खड़े रहो, आपके हाथ में ही है, कोई बात, रेडी 1 2 3 एंड गो, जल्दी जाओ, मैम को रिंग दे के आओ, थैंक यू बोल के जल्दी। बच्चों रिंग किसके हाथ में थी और जिम्मेदारी? बेटा दीपाली आपने क्या करना है, छुट्टी के बाद अपने पेरेंट्स को बुलाना, उनसे रिंग के पैसे लेके मैम को देना, चलो शो के बाद रिंग के पैसे मैं दे दूंगा, अब तो ठीक है, हाँ ठीक है, पैसे मैं दे दूंगा। आपको पता है मैम की रिंग थी चांदी से बनी, उसको मंगवाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, करोगे? मेहनत करने के लिए तैयार। तो बेटा दीपाली आपने क्या करना है, सामने की तरफ एक जोरदार फूंक लगाना है और दोनों हाथ ऐसे करना है, जस्ट बाय मैजिक रिंग आपके हाथ में आ जाएगी, ओके, पहले हाथ नहीं, पहले जोर से फूंक लगाना, दोनों हाथ आगे करना, रिंग को पाना मैच, लगाओ जोर से फूंक, दो बार फूंक, दो बार हाथ, लगाओ जोर से, हो जाओ शुरू और फूंक लगाओ, लगाओ बेटा, किधर लगा रहे हो बेटा, यहाँ लगानी है, हाँ देखो बच्चों, ये मेरे पास एक मैजिक बॉक्स है, ये क्या करेंगे दीपाली बेटा, इसमें फूंक लगाएंगे, हाथ आगे करेंगे, रिंग को पा लेंगे, बट इसमें से रिंग नहीं आई तो 2-3 कॉकरेज आएंगे, निकाल के इनपे फेंक देना, ओके, लगाओ फूंक, यस, आपने हाथ ऐसे, मैंने आपको कहा था फूंक लगानी है, दोनों हाथ साथ के साथ, इस बार आप पहले दो बार फूंक लगाएंगे, फिर रिंग को पाए, हाथ नीचे, पहले दो बार फूंक लगाओ, यस, फिर आपने हाथ थोड़े लिए, ऐसे नहीं है भाई, बातें नहीं करना है, यस, आपने दो बार फूंक लगाई, मैं 3 बार बोल रहा हूँ भाई, लास्ट चांस दिया जाएगा इसको, लास्ट चांस, रिंग आ गई तो ठीक है, नहीं तो ये रिंग के पैसे लेके जाए, लगाओ 4 बार, यस, फिर आपने हाथ नहीं खोले भाई, मुझे लगता है इस दीपाली के फूंक लगाने से मैम की रिंग आएगी नहीं, एक बार सभी बच्चे जोर से फूंक लगा, जोर से मत लगाओ, कंटप्पी के साथ मुझे भी बता, और एक बार हम लगाएंगे, और एक बार आप, यस, पकड़ो इसे, पकड़ो, खोलो, देखो मैम की रिंग आ गई, वही है, निकाल, बच्चों को दिखाओ और मैम को दिखाओ, देखो प्लीज, बार बार मुझे बोलना ना पड़े भाई, इन पे ध्यान दो और इनसे पूछ रहे, सबसे पहले बेटा आप बताओ कि आप इंटेलिजेंट हैं? यस, इंटेलिजेंट जी, आप कौन सी क्लास में है? 8th क्लास, 8th क्लास में आप कितने साल से पढ़ रहे हो? 1 साल से, बाकी इंटेलिजेंट है, आप भी जा रहे हैं, आप ये बताओ आपको शर्म तो नहीं आती है?
ये पक्का बेच रहा हूँ भाई। आए नहीं पीछे से पैंट फटी हुई क्लोज करो, आंखें बंद रखना बेटा, ठीक है? आंखें मत खोलना। अगर आपने मेरे कहने से पहले आंखें खोल ली, आप यहाँ से गायब हो गए, शेड पे जाके बैठ जाओ। जब मैं आपको बोलूंगा रेडी 1 2 3 एंड गो, गो बोलते जोर से फूंक लगाना, ओके? गो बोल, फिर गो बोलते आपने लगाना, ओके? रेडी रेडी 1 2 3 एंड गो गो। तीन मंत्र लगाने के बाद हम इस खाली बॉक्स से इस खाली बॉक्स को ढक देंगे। क्या करेंगे? ढकने के बाद एक इनका हाथ लेंगे, एक हाथ आप और एक हाथ सर के ऊपर और डब्बे के सर के ऊपर एक्टिव हो जाओ। देखो बेटा, ये एक इच्छा पूर्ति बॉक्स है, इसमें आप जो इच्छा करेंगे वो इसमें आ जाए। इच्छा खाने पीने की चीज की करना है, ऐसा कुछ मत सोचना, साइकिल मोटरसाइकिल। आंखें बंद करो, मन में सोचो, प्लीज भाई शोर नहीं, मन में सोचो, सोचना है, सो मत जाना भाई साहब। सामने की तरफ फेस करना और आंखें बंद। देखने जा रहे हैं जस्ट बाय मैजिक जादू की शक्तियों से इन्होंने इसमें क्या सोचा। वेरी गुड, वो इसमें आ चुका है। चलो खैर, मैं इन्हें खिलाई देता हूँ। बेटा वो आंखें बंद, मुंह थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा मुंह खोलो और बोलो आ और थोड़ा बोलो वेरी गुड। खाना स्टार्ट करना, हाथ खाते हो आप, थोड़ा खोलो ऊपर बोलो खाते हो, वेरी गुड। आप भी थोड़ा सा खोलो, पूरी कर दी है, नाम इनका अभी तक नहीं मिला। चलो आप पूछ लेते हैं भाई साहब, आके खोल लो, कोई बात नाम बता दो क्या है? आपका नाम क्या है? बोलिए हिंदी या पंजाबी, नाम बताओ क्या है? मैं बिस्कुट टेस्टी दे बैग के लिए क्लैपिंग कर दो भाई। ये बंद होती है, क्या होती है? बंद। आपकी खुली हुई आंखें बंद होती हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होता है, इसलिए हर आइटम को गौर से देखो, बातें नहीं करो। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 420 को हिंदी में क्या बोला जाता है? 420 तो मैथ में बोलते बच्चों, हिंदी में 420 भी मैथ में बोलते हैं, हिंदी में बताओ नहीं पता? नहीं पता, मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में हम बोलते हैं 420, मैथ में बोलते हैं 420, मैथ में, हिंदी में बोलते हैं चलाकी और हेरा फेरी। क्या चलाकी और हेरा फेरी? आगे से याद रखना, इसी को बोलते हैं ना 420 420, यानी कि हेरा फेरी। तो आज हम सभी बच्चों के साथ हेरा फेरी करने जा रहे हैं, लेकिन आप में से कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा हमारी हेरा फेरी को पकड़ लेगा दिमाग से, मैं उसे 500 रुपए इनाम दूंगा। और अगर आप में से कोई भी नहीं पकड़ पाया तो मैं सबसे पहले 500 रुपए ले जाऊंगा। रेडी, बातें क्यों शुरू हुई भाई? चलो पहले आइटम देखो, बातें बंद, ट्रिक्स देखो। सबसे पहले आपने काउंट करना है कि मेरे हाथ में कितने हैंकी हैं। अभी नहीं, हम काउंट करेंगे, तो काउंट करो, ये कितने हो गए? कितने? एक। और ये दो। और ये तीन। और ये कितने हैंकी? ये तीन। 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 तीन।
मैं देख रहा था कि आप गौर से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। आप वाकई में गौर से देख रहे हो, इसलिए गौर से देखो। ये तीन ही हैंकी है, एक दो और ये तीन। तीन हैंकी है। तीनों रुमालों का एक ही कलर, एक ही डिजाइन, एक ही प्रिंट, एक ही आकार, सब कुछ एक है। देखो भाई, सबसे पहले मुझे बताओ कि अभी तक मैंने आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं की? नो चीटिंग। देखो भाई, जादू की शक्तियों से हम क्या करेंगे, तीनों रुमालों का हम एक बनाएंगे रोल। क्या बनाएंगे? रोल। रोल बनाने के बाद हम इन तीनों रुमालों को मैजिक बॉक्स में रखेंगे। क्या रखेंगे? मैजिक बॉक्स में। ध्यान से देखना है, हम मंत्र लगाएंगे, तीनों रुमालों को मैजिक बॉक्स में रखेंगे। और रखने के बाद ये मेरे पास एक खाली ढक्कन है जो हम ऊपर से लगाते हैं, और लगाने के बाद एक फूंक लगाएंगे और मंत्र लगाएंगे, बोलेंगे गैली गैली छू। क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे। आपको पता है गैली गैली छू बोलने से क्या होगा? रुमालों का कलर आकार चेंज हो जाएगा और जादू से साइज भी रुमालों का बड़ा हो जाएगा। मैजिक पावर। ये देखो हो गया है ना। तीसरे रुमाल के लिए देखो, तीनों रुमालों का कलर आकार चेंज। क्या कह रहे हो? शायद बच्चे सोच रहे हमने डब्बा पलट दिया, यानी कि यहाँ से डाले यहाँ से निकाल दिए, यानी कि इसके दो पार्ट है। चलो भाई, आपका जो डाउट है राइट है, तो चलो हम आपका डाउट जो है दूर कर देते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही खाली है। ध्यान से देखना आपने, ये देखो। ओके, अब तो ठीक है। दोनों खोल देंगे भाई, दोनों खोल देते हैं ये लोग, हम दोनों भी खोल देंगे। अब तो ठीक है। ये कितना होशियार लड़का आगे बैठा हुआ लगता है, 500 नोट पक्का लेके। ये कह रहा है कब से सर ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, ऐसे दिखा दो, है ना। चलो, आपको क्या डाउट है बेटा? क्या आपने क्या करना है, इसमें से हैंकी निकाल ले, बच्चों को दिखा देने। कर लेंगे इतना काम? कर ले, निकाल। पर मेरी बात सुनो पहले, यहाँ पे सभी बच्चे बैठे हैं, स्टाफ बैठा है, अगर आपको कुछ इसमें से लड़ गया ना, मेरी कोई गलती नहीं। ओके, निकालो हैंकी जल्दी। मैंने आपको बताया था ना कि जादू जो होता है ना आंखों के सामने होता है, और जादू जो होता है ना वो हाथों से होता है, बातों से नहीं होता है। और हमारा काम ही ऐसा है, हम बातों ही बातों में लगाए रखते हैं और अपना मैजिक कर जाते हैं, इसी को बोलते हैं जादू। और जादू के बारे में एक और दिखाएंगे, सबसे पहले देखा जाएगा। देखो भाई, देखने में ना ये 10 रुपए की रस्सी है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, करोड़ों रुपए का दिमाग लगेगा, लाखों का नहीं करोड़ों का। ये मैंने घर बैठे ही नॉर्मल बनाई और ये एक आइटम बनाई, और 5 साल से मैं इसे स्कूलों में दिखा रहा हूँ, पर इसे कोई नहीं पकड़ पाया। हरिद्वार में कुछ चंद बच्चे मुझे ऐसे मिले जिन्होंने इसे देखा और करके भी दिखाया, क्योंकि वो दिमाग से बहुत ज्यादा होशियार है। कुछ भी नहीं इसमें क्या है, पहले मैं दिखाऊंगा फिर सिखाऊंगा। अगर किसी की भी समझ में आता है तो यहाँ पे आके करके दिखा, अगर उसे नहीं आया तो हम सभी बच्चों को सिखा देंगे। रेडी रेडी हो? देखो भाई, होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर हम 4 गांठे लगाएंगे। 4 गांठे लगाने के बाद जब हम एक फूंक लगाते हैं, चारों गांठे जस्ट भाई मैजिक पावर अपने आप खुल जाती है जादू से। आपने भी सीखना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सिखाने से पहले कोई बच्चा ऐसे करके दिखा दे, यही से देखा जाएगा कितने होशियार बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो रेडी हो जाओ। ये कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? दो। ये रियल टीम में गांठे है, खींचेंगे तो गांठ लग जाएगी, गले में डालेंगे तो फांसी।
राइट yes, क्या करेंगे लेफ्ट हाथ से दो काटे लगाने के बाद लेफ्ट हाथ से हम दोनों रस्सियों को ऐसे पकड़ेंगे, राइट हाथ से राइट वाली रस्सी को अपनी तरफ से निकालेंगे, तीन ऊपर लेकर आएंगे, फिर राइट वाली रस्सी को यहाँ से छोड़ते हैं ऊपर वाली में से निकालते हैं, चार फूक मारेंगे खुल जाएगी, नहीं समझ आया तो एक बार और दिखाऊंगा, एक बार और दिखाऊंगा, समझ रहे हैं ध्यान से, कितने हो गई दो घाटे लगाने के बाद बातें नहीं कर रहे हैं, फोकस करो, लेफ्ट हाथ से आपने दोनों हाथों से लेफ्ट हाथ से दोनों रस्सी को ऐसे पकड़ा, राइट हाथ से राइट वाली रस्सी को यहाँ से निकाल तीन ऊपर लेकर आए, फिर राइट वाली रस्सी को यहाँ से छोड़ते हैं ऊपर वाली में से निकाल, चार फूक मारेंगे खुल जाएगी, कौन कर छोटे बच्चों में से कोई नहीं आएगा, हाथ बड़ों में से कोई भी आ सकता है, आपसे नहीं पूछ रहे आप ठंडा नहीं ठंडे को मैं को फ्रिज साथ में लेके आया, खड़े हो जाओ दूध पियोगे भाई, लगता नहीं है ये बच्चे किसने कभी दूध पिया, ये बताओ सबसे पहले आपने किस चीज का दूध पिया, गाय का, जल्दी याद आ गया, चलो बेटा मेरे पास दूध तो नहीं है पानी है, चलेगा पानी भी चलेगा, आज हम इनको मैजिक से मैजिक वाला पानी पिलाएंगे जो आपने कभी नहीं पिया, आज हम इन्हें पिलाएंगे जादू से, बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, थम्स अप अंगूठा ऊपर, देखो भाई आप सोच रहे होंगे मैं इन्हें पानी कैसे पिलाऊंगा, यानी कि निप्पल से पिलाऊंगा ना, जग से या बाल्टी से, नहीं भाई मैं इनको किसी और चीज से पानी पिलाऊंगा, इससे पिलाए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनको पानी कैसे पिलाए, यानी कि कुप्पा इसके मुंह में ठूस देंगे और ऊपर से ऐसे गिलास है ना ऐसे, तो भाई सबसे पहले इसे पूछ लेते हैं, अच्छा आप बताओ कि आपको इसमें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, सामने बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, बेटा आपको कुछ दिखाई दे रहा है, खाली बिल्कुल बेटा खाली है, बिल्कुल खाली की पे, हम इनको पिलाएंगे जादू से जादू वाला पानी जो आपने कभी नहीं पिया, आज हम इन्हें पिलाएंगे, आपने बहुत प्रकार से पानी पिया होगा, इस प्रकार से पानी कभी नहीं पिया होगा और आज हम इनको इस प्रकार से पानी पिलाएंगे, रेडी हो जाओ बेटा, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपने इस अंगूठे को इस पे राउंड राउंड घुमाओ, राउंड राउंड घुमा के आपने क्या करना है, इस अंगूठे को अपने मुंह में जितना दबा के खींचोगे उतना ठंडा ठंडा पानी आएगा, और मैं चेक कर लूं ये पी भी रहे हैं या नखरे ही कर रहे हैं, लगे रहो दबा के पीना बेटा, पानी के मेरे पास कमी नहीं है, पानी मेरे पास बहुत ज्यादा है, लगे रहो जितने जोर से खींचोगे उतना ठंडा बेटा पानी, आंखें बंद बेटा दबा के नहीं बेटा जल्दी पियो कुछ नहीं है, आके बस पियो मत ऐसे लगा, लो भाई इनको चेक कर लेते हैं,
बस कर लड़की अब लो भाई जितना पानी इन्होंने पीना था ये पी चुके हैं, लड़की कुछ ज्यादा ही पी गई और बाकी पानी को हम क्या करेंगे डोल दें। आपको पता है जादूगरों की चीजों को जो भी कोई खा लेता है चाहे वो चाय दूध कॉफी ठंडा खाना कुछ भी हो जो इन्होंने मैजिक के द्वारा पानी पिया है ये इन्हें हजम नहीं होगा, इनको रात को परेशान करेगा। इसलिए इनका जो मैजिक के द्वारा पानी पिया गया वो हम जस्ट बाय मैजिक पावर वापस भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम पानी निकालेंगे गुड़िया की चोटी से। छोटी सी फैमिली है मेरे परिवार जैसे आपका और हमारा। आपको पता है परिवार में जो है मेन सदस्य वो कितने होते हैं? तीन। तीन सदस्य मेन होते हैं, कितने? तीन। उसमें कौन कौन मेन सदस्य होते हैं? वेरी मम्मी पापा और मुन्ना। कौन? हाँ ऐसे ये भी परिवार है, ये मुन्ने की माँ और ये मुन्ने के पापा। हाँ चलो एक बार मेरे साथ दोहराओ, ये कौन है? कौन है ये? मुन्ना। और ये मुन्ने की? मुन्ने की मैं कदम में बड़ी है। अब बताओ ये कौन है? ये मुन्ने की और ये मम्मी के? चलो भाई फोकस
डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो होता क्या है भाई, ये मुन्ना जो है ना, लास्ट टाइम में ब्लीच शोर किए बिना देख लेना, ये मुन्ना जो है ना आप ही की तरह सुबह नहा धोकर स्कूल में जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल। आप सोच रहे होंगे मुन्ने का स्कूल कहाँ पे? मैं बताऊँ, आप दोनों सोच रहे हो, एक इधर एक इधर। भाई ये मुन्ने का झंडू भाई पब्लिक स्कूल है। और मुन्ने के स्कूल जाने के बाद घर पे कौन रह जाते हैं? मम्मी पापा। मुन्ने के स्कूल जाने के बाद घर पे मम्मी पापा रह जाते हैं। जो मुन्ने की माँ है वो मुन्ने के पापा से कहती है कि मुन्ना चला गया स्कूल में, हमारा जो है मन नहीं लग रहा है, हम कहीं घूमने के लिए चलो। तो मुन्ने के पापा कहते हैं, नहीं भाग्यवान, हम घूमने के लिए नहीं, हम पिक्चर देखने के चलते। तो जो क्या करते हैं, हाथों में डालते हैं और पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पिक्चर देखने। अब आप सोच रहे होंगे इनका सिनेमा हॉल कहाँ पे? मैं बताऊंगा सिनेमा। बेटा अपना हाथों, हाँ हाथों बेटा, और ध्यान देना भाई, हाथों में डाल रहे हो, पिक्चर देखने जा रहे हैं, फोकस करना है। और ये कसके पकड़ना, ये आपके शहर हरिद्वार का कालिया सिनेमा हॉल। अब आपने बताना कि मुन्ने के मम्मी पापा कहाँ पे चले गए? सिनेमा हॉल में। और मुन्ना जी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, अचानक क्या होता है, मुन्ने के स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मुन्ना थोड़ा थोड़ा घर आता है, घर पे आके देखता है घर पे लॉक लगा होता है, लॉक लगा देख के वो रोने लगता है। जैसे रोता है बाहर को भागता है, उन्हें एक जादूगर साहब मिल जाते हैं। वो कहते हैं, जादूगर साहब प्लीज हेल्प मी, आपको मेरी मदद करो। जादूगर साहब कहते हैं, बेटा रोने वाली बात नहीं है, मेरे पास एक जादुई पिटारा है, आप उसमें बैठ के झट से मम्मी पापा के पास। लेकिन जस्ट बाय मैजिक पावर हम देखते हैं वो पहुंचते हैं या नहीं भी पहुंचते हैं। तो बेटा आपने मुन्ने को ध्यान से पकड़ा, मार मत देना ध्यान से, ओके। हाँ बेटा आपने क्या करना है, मुन्ने को लेके आपने इसमें बैठ जाना, ओके, बैठ जाओ, चलो बैठा दो अंदर करके बैठाओ यार। हाँ बैठा दिया, अब आप ही बैठो, अभी बैठो। ये सोच रहा है कैसे बैठो, बेटा ऐसे बैठते हैं ना, बैठो वो इसमें बैठो, चलो कोई बात। बेटा ये बताओ ये मुन्ना इसमें बैठ, कुर्सी पे टेबल पे, इसमें कुर्सी में निकालो मुन्ना बाहर। बच्चों ये कह रहा है मुन्ना कुर्सी में बैठ गया, कुर्सी है इसके अंदर नहीं। तो बेटा मुन्ने पिटारे में बैठा है यार, कहाँ बैठा है? कुर्सी बांट दोगे इसमें? बैठाओ मुन्ने को, बैठा दिया, देखो बैठा है। बच्चों को बताओ मुन्ना बैठा है? मुन्ना बैठा है। वेरी गुड, यस, के लिए के लिए आपने इस हिसाब से मुन्ना निकालना, बच्चों को दिखाना, ठीक है, जल्दी निकालो, दिखाओ बटन। ये कह रहा है कि भाई साहब देखना ये तो झूठ बोल रहा है, मुन्ना है कि नहीं इसमें? ये झूठ बोल रहे भाई, बैठा है, बैठ है, यस, गेले गेले निकालो मुन्ना, जल्दी बच्चों को दिखाओ। भाई मुझे लगता है इस बच्चे को दिखाई नहीं देता, मुझे लगता है इसको आलू के चश्मे लगाने पड़ेंगे। मित्र देखो, यस, निकालो मुन्ना, लो आलू के चश्मे लगते हैं, मुन्ना दिखने लग गए। चलो कोई बात नहीं बेटा, इस मुन्ने को मैं इसमें बिठाऊंगा, ओके, आपने फटाफट निकाल के बच्चों को दिखा देना, कर लेंगे इतना काम, कर लेंगे, रेडी, 1 2 3 एंड गो, निकालो मुन्ने जल्दी, मुन्ना इसमें है ही नहीं। मुन्ना जी यहाँ से कब के गायब हो गए हैं, ये तो ऐसे यहाँ ना का जवाब भर रहे हैं, क्योंकि मुन्ना जी तो यहाँ से कब के गायब हो गए हैं। आपको पता है मुन्ना जी एक हाथ मम्मी का और एक हाथ पापा जी का पकड़ कर सिनेमा हॉल से बाहर आ रहे हैं। सुनने वाली बात सुनेंगे आप, कारण है, अगर वो आपको पता नहीं लगा ना तो ये शो देखने का कोई फायदा नहीं। तो प्लीज जो बॉयज गर्ल्स बातें कर रहे हैं ना, ये मैजिक शो आपको रेड क्रॉस की तरफ से दिखाया है, जो कि सभी स्कूलों में दिखाया जा रहा है। और आपसे जो ये कलेक्शन ली है या ली जाएगी, ये पैसा आपका ना ही प्रिंसिपल जी की जेब में जाएगा, ना ही स्टाफ की और ना ही हमारी जेब में, ये पैसा रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा होता है।
जब छोटे बड़े स्कूलों से डोनेशन करके ये बहुत बड़ी रकम बनती है, वो रकम हमारे देश जिले हमारे शहर में काम आती है। वो ऐसे कि जब ये इतनी बड़ी अमाउंट बनती है, इसको यूज किया जाता है अलग अलग तरीकों से। ये शहर के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता है, उनको इन पैसों से फ्री शिक्षा, फ्री पढ़ाया लिखाया जाता है। और कुछ हैंडीकैप होते हैं जिनको ट्राई सैकला देते हैं, कुछ अंधे बच्चे जिनके लिए आंखों का इलाज करवाते हैं, और ये पैसा वहां पे भी काम लिया जाता है इससे कि जहां हमारे देश में कई जगह बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, बहुत से घर टूट जाते हैं, कईयों के उसके सदस्य भी मर जाते हैं, तो उनको भी इन पैसों से हेल्प दी जाती है। प्लीज भाई बातें नहीं करना। और इन पैसों से कई जगह हरिद्वार में ब्लड कैंप भी लगाए जाते हैं, यानी कि ये पैसा अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, तो माड़े तरीके से नहीं। साल में एक बच्चे से 10 रुपए लिए जाते हैं और उसके बदले आपका मनोरंजन किया जाता है, आपका एंटरटेनमेंट किया जाता है, आपको शो दिखाया जाता है। 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 मिनट में खा जाते हो ना। साल में 10 रुपए देना ये एक चैरिटी होती है, दान के रूप में पैसा इकट्ठा किया जाता है और डीसी साहब आगे लगाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा देश जो है भलाई की ओर और तरक्की की ओर बढ़ रहा है और चल रहा है।